हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आज बुल रन ट्रेडिंग। सो आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी हियरिंग कंप्लीट हो चुका है, सो इसमें जो रिजर्व करके उनका बात में आज जो भी बात हुआ था, तो कल आपको भी अपडेट किया था, आज जो हियरिंग होगा, तो इसमें ये एगेनिस्ट फ्यूचर ग्रुप का जो डील का बारे में माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का माध्यम से ना बोल के आया। सो ये इनडायरेक्ट का मीनिंग यही है, इन जो बोलना है एक ही बात है। तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन जो भी बेंच का जो अवार्ड है वो इंडिया में एनफोर्सेबल है, वो इंडिया में एनफोर्सेबल। सो अभी इनकम बात यही है, फ्यूचर ग्रुप का जो भी सिंगापुर आर्बिट्रेशन का जो चल रहा है वो जीतना चाहिए और ये डील होने की वजह से। तो ये डील होना बोले तो पहले सिंगापुर आर्बिट्रेशन कंपलसरी फ्यूचर ग्रुप जीतना चाहिए, तो आगे इनका प्लान फॉलो होगा। सो इसमें दो चांस होगा, तो मैं एक एक इसमें केस स्टडी किया था और एक एक पॉइंट में नोट किया है, तो आपका पास मैं ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो उसमें आप थोड़ा एक एक पॉइंट को आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर ये अंतर तक देख के आप जरूर इसमें कुछ कर सकते हैं। सो इन्वेस्ट करके जो वेटिंग किया है टिल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर आएगा तब तक रुकना चाहिए। तो अपना शायद 12 तारीख को वो मालूम होगा, फिर 1 वीक मोर, सो उसको भी वेट करना पड़ता है। तब तक इसमें सेल मत करिए और एवरेज भी मत करिए। सो यही एडवाइजेबल है, सो दोनों काम नहीं करना है। स्टिल वेट, ओनली वेट एंड वॉच स्टॉक हो गया ये। सो न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, जब ऑपरेटर इसको गेम खेलेगा तो भी आप एंटर मत करिए इसमें। सो वेट करिए, सो सुप्रीम कोर्ट का सिंगापुर आर्बिट्रेशन का जो भी बात होने होगा वो आप वेट करना पड़ता है। सो और एक बात भी है इसमें, सो फ्यूचर इसमें ये बोल रहा है, फ्यूचर रिटेल टू परस्यू ऑल ऑप्शंस टू कंक्लूड द डील विथ रिलायंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड वर्कशिप। सो आइडिया जो लास्ट 1 वीक में जो भी आइडिया का जो भी बात है वो 60% डाउन होके 50% ये न्यूज़ आने के बाद में डाउन होके फिर 60% रिकवरी दिखाया एक न्यूज़ की वजह से। सो जैसा न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक में जब इन्वेस्ट करता है तो पोटेंशियली वेट करना पड़ता है, तो तभी उसका आप रिटर्न मिल जाएगा। सो आपको भी पता है, तो पेशेंसी है तब आपको रिटर्न मिलेगा। तो पेशेंसी नहीं है आप पैनिक क्रिएट होके आप लास्ट में निकल जाएगा बाहर, जब ऐसा ही सोचेगा ये फिर से एंट्री करेगा तो आप ऊपर एंट्री होगा, तो जब तक आप स्ट्रेस में रहेगा। सो उसका वजह से यही बोल रहा है, तो वेट एंड वॉच स्टॉक में थोड़ा वेट करना पड़ता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट है, किशोर बियानी लीड कंपनी विल ऑल्सो फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 37-2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट अगेंस्ट द आर्बिट्रस इंटरिम अवार्ड बिफोर द दिल्ली हाईकोर्ट टू ऑब्टेन रिलीफ टू प्रोसीडिंग विद द डील एंड द पीपल्स एडेड। सो इसमें जो भी आप सिंगापुर आर्बिट्रेशन में ये भी अपील किया है, सो आपका पास जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो गलत डॉक्यूमेंट है, तो एक बार रीचेक करिए बोल के वो अपील भी किया है। फॉर ऑफ कोर्स वो भी फ्यूचर ग्रुप का जो भी सिंगापुर आर्बिट्रेशन जो अपील किया है वो एक्सेप्ट किया तो वो भी हियरिंग होगा और उसका बाद में भी इसको पॉजिटिव रहेगा। सो एक एक केस स्टडी करेंगे, मैं एक एक पॉइंट आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो पहले पॉइंट यही है, फ्यूचर ग्रुप का अवेटिंग फॉर SISC रिजल्ट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अमेजन विंस विल बी टू, आपने को टू प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले यही है, फ्यूचर नीड टू पे 1400 crores प्लस पेनल्टी एंड देन फ्यूचर टोटल डील होल्ड। दो ऑप्शन हो गए इसमें, और एक पॉइंट भी है, इफ फ्यूचर ग्रुप विन, अमेजन विन बात हुआ था,
फ्यूचर ग्रुप का जो भी विन किया तो नो नीड टू वरी सुप्रीम कोर्ट ओनली सेइंग SC/ST विल बी एनफोर्सेबल इन इंडिया, जो भी आज बात हुआ है वही है। सो नेक्स्ट है, इसमें अमेजन ये इसमें यही बात है, अमेजन विन हो गया समझो। सो अमेजन हैव ऑप्शन टू समेरा ग्रुप थ्रू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पियानी इफ एक्सेप्टेड। सो किशोर बिया ने एक्सेप्ट किया तो अपना को उनको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपना होपफुल। एंड इन इफ फ्यूचर ग्रुप नॉट रेडी टू टेक ए कॉल, सो लेंडर्स गिवन अ लोन रिस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव्ड। सो उसमें जो इनका बात यही है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, उसमें अप्रूवल भी मिल चुका है। सो इसमें बिजनेस रन करना है, सो ये मार्केट में सर्वे होना है। और दूसरा ये इसमें डिफ़िकल्टी यही है, इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भी डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनका दिक्कत वही है। एंड RIL का सपोर्ट है, जब तक अभी तक रिलायंस का जो भी सपोर्ट मिला था उसको, अभी वो भी स्टॉप होने का इरादा लग रहा है, तो वो भी स्टॉप हो गया तो बहुत मुश्किल होगा इसको बिजनेस आगे करने का। फाइनली इमीडिएट सर्च फॉर सम इंडियन लॉ लूपहोल्स टू रिटायर द सुप्रीम कोर्ट अगेन। सो इसमें जो भी बात यही है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिजल्ट आ चुका है, सो इसमें सर्वे होना नेक्स्ट, आगे इसका रणनीति आगे मालूम होना बोले तो थोड़ा वेट करना है। वो सभी जन इसमें वेट कर रहे हैं, पहले फर्स्ट फ्यूचर ग्रुप का और सेकंड रिलायंस का, थर्ड अमेजन का, एंड फोर्थ ये की पॉइंट है CCI क्यों वेट कर रहा है। सो इसमें दो पॉइंट है। सो पहले पॉइंट है, इफ SIFC एक्सेप्ट किया है, उनका बात एक्सेप्ट किया है, अमेजन का बात एक्सेप्ट किया है, फ्यूचर ग्रुप का और रिलायंस का डील कैंसिल किया, तब CCI एंट्री होगा। सो इसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रिटर्न करिए फ्यूचर ग्रुप को, आप निकल जाइए बाहर, तब ये डील एक्सेप्टेंसी हो सकता है इंडियन लॉ वजह से। एंड सेकंड, तो SIFC रिजेक्ट किया तो बात ही नहीं है, डायरेक्ट डील कर सकते। पहले बात यही है, एक्सेप्ट किया तो CCI उसका पीछे आएगा, तो रिजेक्ट किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, डील आगे बढ़ जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट का यही बोलना है, SIFC का जो भी एनफोर्सेबल है, तो वो रिजेक्ट किया तो एनफोर्सेबल है, वो भी एनफोर्सेबल है, तो डील आगे बढ़ सकता है। मगर एक्सेप्ट किया है, अपना होप यही है CCI फिल एंट्री होगा, तो उसको ये पीछे पड़ेगा, उसका पेनल्टी FDI जो भी रील्स का रूल्स जो भी है वो पीछे आके उसको पीछे पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी बात है वो फिर से उन्हों इंटर का बिना ये डील हो सकता है। अपना को अभी एक ही जगह में होल्ट हो गया है NCLT में, तो इनका अप्रूवल जरूर आ सकता है। सो अपना वो यही है, इसमें जो भी इन्वेस्ट किया है, सो जैसा अपना न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, जैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप पेशेंसी में रहे तो रिटर्न मिलेगा, ज़रूर रिटर्न मिलेगा, तो वेट करना है। फ्यूचर ग्रुप बोले तो उतना छोटा कंपनी नहीं है, सो इनका पास बिग बाज़ार है, लाइफस्टाइल फैशन है एंड पैंट फैक्ट्री है, सबसे बढ़िया फ्यूचर कंज्यूमर भी है, और वो सप्लाई चेन का सॉल्यूशन भी है इनका पास, और मार्केटिंग का जो भी आगे बहुत बड़ा बिजनेस है उनका पास। सो यही बिजनेस का वजह से ये रिटेल किन बनाए किशोर बियानी, तो उसको जो इन्वेस्ट किया है तो वेट एंड वॉच स्टॉक हो गया अभी, थोड़ा वेट करके और पेशेंसी में रखना, ऐसा पैनिक नहीं होना है। सो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया बोल के अपना को भी एक 4-5 ऑप्शन मिला है, तो यही ऑप्शन में कोई भी अपना को कुछ कर सकते हैं, सो अमेजन उसमें पासा भी हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको जो भी बात है आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमको भी अच्छा लगेगा, और वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।